भाइयों एंड उनकी बहनों, लेट्स टॉक अबाउट कास्ट ऑफ डिवा। इस के ड्रामा के भाई जो दो एपिसोड है सीजन 1 के, फाइनली अब उनको हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया, जिनको मैंने देख लिया है। एंड आज के इस वीडियो में अपन लोग इसी के ड्रामा का चीड़फाड़ करेंगे। बाकी आगे के जो हिंदी डब के एपिसोड है वो वीकली बेसिस पे आई थिंक डाले जाएंगे। जैसे ही वो आएंगे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट करूंगा। तो अगर आपने उसको नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ज्वाइन मार लेना। लेकिन यहाँ पर मैं आपके माइंड में एक चीज बता देता हूँ कि इस के ड्रामा भाई आपको पार्क युनमिन देखने को मिलेंगे, जिनका आपने पिछला के ड्रामा अगर देखा होगा तो, जिसका नाम था एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटॉर्नी वू। यस यस, वही वाली एक्ट्रेस इसमें आपको देखने को मिलती है। कहानी एंड प्लॉट वाइज वो केड्रामा कुछ खास नहीं था, लेकिन दोस्त एक्स्ट्राऑर्डिनरी वू को यहाँ से यहाँ तक पहुंचा दिया था पार्क युनबिन की परफॉर्मेंस ने। एंड भाई यही फैक्टर था जिसके लिए मैं इस केड्रामा कास्ट ऑफ डिवा को लेकर के एक्साइटेड था। एंड दोस्त हुआ भी यही, इन दो एपिसोड में मैंने इस एक्ट्रेस की जो परफॉर्मेंस फील की है भाई साहब नेक्स्ट लेवल की है। मींस इसके जो इमोशनल सीन्स है ना भाई, वो आपको रोने पर मजबूर कर देंगे। सॉफ्ट हार्टेड हो तो यहीं पर वार्निंग दे देता हूँ कि रुमाल वगैरह लेकर के बैठना, वरना शायद ये केड्रामा आपको रुलाएगा। तो इसमें जो परफॉर्मेंस देखने को मिले वो बहुत ज्यादा सॉलिड है। मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि भाई ये केड्रामा शायद सबको टारगेट नहीं करता। अगर आपको म्यूजिकल, वेब सीरीज या फिर मूवीज देखना पसंद नहीं है, लाइक अगर आपने ब्यूटी एंड बीस्ट देखी है एंड आपको पसंद नहीं आई, तो शायद ये केड्रामा आपको टारगेट नहीं कर रहा। मतलब इसमें आपको म्यूजिकल वाली चीजें देखने को मिलेंगी एंड ये एक काइंड ऑफ हीलिंग केड्रामा है। मतलब इसमें जो कैरेक्टर है वो किसी न किसी ट्रॉमा से निकल रहे होंगे एंड आपको बहुत सारे इमोशनल सीन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप एक मासी कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखोगे तो शायद ये डिसअपॉइंट कर सकता है। एंड जो ये हीलिंग फैक्टर वाली चीजें इन दो एपिसोड में जो मैंने फील किया है वो काफी अच्छी तरीके से वर्क किया। बाकी अगर मैं कहानी का आइडिया दूं तो शायद आपके लिए चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी इस केड्रामा की। तो भाई इसमें आपको कहानी फॉलो करते हैं अपने पार्क युनबिन के कैरेक्टर को, जो कि एक रिमोट आइलैंड से आती है, जहां पर भाई वो एक काफी बड़ी के पॉप सिंगर उन्नी नाम से हिंदी डब में बोला गया है। तो उसकी भाई वो तगड़ी वाली फैन है, उसका भी सिंगर बनने का सपना है, बट उसकी जो फैमिली है मतलब जो उसका फादर है वो भाई कतई हरामी टाइप का है, जिसकी वजह से भाई उसकी जो सिचुएशन है थोड़ा गड़बड़ है। भाई इसी सिचुएशन से निकालने के लिए उसको स्कूल में एक फ्रेंड मिलता है, मतलब जो अपना हीरो है। दोनों मिलकर के प्लान करते हैं एंड उस रिमोट आइलैंड से भागने की कोशिश करते हैं एंड इसी कोशिश में होती है भाई गड़बड़। एंड उसके बाद आपको 15 साल का जंप देखने को मिलता है। 15 साल बाद भाई जो सारी सिचुएशंस वो बदल चुकी है, मतलब जो अपने हीरो एंड हीरोइन है वो अलग हो चुके हैं। दूसरी चीज, जो पार्क युनबिन है जिस सपने को लेकर के अपने लाइफ चेंज करना चाहती थी, तो उसका होगा क्या, बस यही सब जानने के लिए आपको इस केड्रामा को फॉलो करना होगा। तो अब अगर मुझे इस केड्रामा की कुछ चीजों पर कमेंट करना होगा तो सबसे पहले इसके हिंदी डबिंग पर मैं कमेंट करूंगा। मतलब भाई जो सारे एक्टर्स की डबिंग है वो अच्छी है, डबिंग तो मुझे कमेंट नहीं करना, बट जो लहजा दिया गया, तो इसमें भाई जो पार्क युनबिन का कैरेक्टर देखने को मिलता है उसको जो लहजा दिया गया ना भाई, हमारा हमारा तुम्हारा जो करके बोलती है, ठीक लगता है बट समझ रहे हो ना। तो थोड़ा सा उसके कैरेक्टर के साथ कनेक्ट होने के लिए मुझे दोनों एपिसोड देने पड़े एंड आपको भी शायद थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए टाइम लगेगा। एंड अगर आप इस केड्रामा को देखने जा रहे हो तो इन दोनों एपिसोड को आपको एटलीस्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि जो सेटिंग्स देखने को मिल रही है इस केड्रामा में, उसकी जो डेवलपमेंट है इन दो एपिसोड में काफी अच्छी गई गई है। एंड कहीं ना कहीं आपको जो कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे आप उनके साथ इमोशनली कनेक्ट भी हो जाओ। तो इसके जो कैरेक्टर्स हैं, जो सेटिंग्स है या फिर जो आपको एक जर्नी देखने को मिलने वाली है, वो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है एंड एंगेजिंग भी है भाई। एपिसोड में दो सॉन्ग सुनने को मिले हैं एंड थैंक्स टू गॉड कि उनको हिंदी डब नहीं किया गया। दोनों सॉन्ग को आप जरूर सुनना एंड थोड़ा सा अगर लिरिक्स पढ़ सकते हो तो इंग्लिश में लिख करके आएगा, उसको फील करने की कोशिश करना, गूज़बम्प्स आएंगे। कि भाई प्लॉट में बहुत ज्यादा कुछ नयापन नहीं, इस तरह की कहानी को आपने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा तो वो थोड़ा सा आपको प्रेडिक्टेबल वाली फीलिंग देगा एंड आप भी इसकी जो चीजें होंगी उसको आप बहुत इजीली गेस कर लोगे कि भाई अब आगे इसमें देखने को क्या मिल सकता है, आगे जाकर के इनकी जर्नी कहां पर एंड होगी। तो जो ये प्रेडिक्टेबिलिटी वाला फैक्टर है इस केड्रामा के साथ भी है। अदरवाइज भाई इन दो एपिसोड को देख करके एक्साइटिंग लग रहा है, ये ड्रामा इंगेजिंग तो है ही एंड काफी ज्यादा इमोशनल होने वाला है। एंड जैसा मैंने स्टार्ट बताया कि ये हीलिंग के ड्रामा है, तो अगर आप हीलिंग के ड्रामा देखना पसंद करते हो तो डेफिनेटली आप इस सीरीज को देखना स्टार्ट कर सकते हो। इन दो एपिसोड के बेसिस पर अगर मैं बोलूं तो इस के ड्रामा की एक अच्छी शुरुआत की गई है। बाकी मैं आगे के देखने के लिए एपिसोड एक्साइटेड हूं। अगर मैं आगे के एपिसोड फॉलो करता हूं एंड इस के ड्रामा को खत्म कर लूंगा तो मैं आपको इसका एक डिटेल रिव्यू जरूर दूंगा। लेकिन अभी अगर आप इस के ड्रामा को देखना चाहते हो तो दो ही रीजन है, पहला आप हीलिंग के ड्रामा देखना पसंद करते हो एंड दूसरा पार्क युनबिन के आप फैन हो, तो आप इस के ड्रामा को देखो। अदरवाइज अगर आप बहुत कुछ एक्साइटिंग या फिर आउट ऑफ द बॉक्स देखना चाहते हो, कुछ नया देखना चाहते हो, तो शायद ये आपके लिए अभी तो मैं यही बोलूंगा कि नहीं है। बाकी जब मैं इस केड्रामा को पूरी तरीके से देख लूंगा तो इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स चीजें इसमें देखने को मिलेंगी, जब मैं सामने पूरी तरीके से खुल के आ जाएंगे तो मैं ज्यादा कमेंट कर पाऊंगा। तो थोड़ा सा वेट करो, अगर आप अभी इसको शुरुआत नहीं करना चाहते, एक बार में ही देखना चाहते हो, तो मैं इसका एक डिटेल रिव्यू आने वाले टाइम में जरूर करूंगा जब पूरी तरीके से आ जाएगा, क्योंकि शायद 12 ही एपिसोड होने वाले इसके सीजन 1 में, तो थोड़ा सा वेट कर सकते हो। अगर आपने इन दो एपिसोड को देखा तो आपको कितना पसंद आया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना ऐसे वीडियो देखने के लिए। मैं फिर से मिलता हूं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।